एक 5 साल की बच्ची के सामने एक पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या गलती थी उस पत्नी की जो पति ने उसके साथ इतना बुरा किया? इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कंधमाल जिले की यह घटना है और वहां पर एक लड़की जिसका नाम है वैशाली, जिसकी उम्र है 35 साल, वो रहा करती थी और वो अपने पति के साथ रहा करती थी। उनकी शादी होती है धूमधाम से और 10 साल पहले उनकी शादी होती है बिहार के चंद्रशेखरपुर गांव से और लड़के का नाम होता है चंदन आचार्य। लड़के का नाम चंदन आचार्य होता है और वह ऑटो ड्राइवर होता है, यानी कि ऑटो चलाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। दोस्तों, उसमें एक कमी थी, वो शराब पीता था। जो ऑटो से कमाई होती थी कुछ को घर देता था, कुछ की वो शराब पी जाता था। समय गुजरता रहा, 10 साल बीते उन दोनों की शादी के बाद। उनको एक फूल सी बच्ची हो जाती है और धीरे धीरे उस बच्ची का भी भरण पोषण वो करने लगते हैं। बच्ची भी अब 5 साल की हो जाती है। उसके बाद क्या होता साथियों, जो चंदन आचार्य होता है वो शराब कुछ लिमिट से ज़्यादा पीने लगता है और जब लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ की जाती है तो आपको पता है उसका परिणाम उल्टा होता है। अब क्या होता है कि वह शराब में ज़्यादा धुत रहने लगा और ऑटो को उसने चलाना छोड़ दिया। दोस्तों, ऑटो को उसने जैसे चलाना छोड़ दिया तो उनके खाने के भी बांधे लगने लगे, यानी कि खाने की भी कमी पड़ने लगी। अब क्या होता है, जो चंदन आचार्य है वो दिन भर शराब पीता है, कुछ पैसे इधर उधर से मांगता है और सारे पैसों की वो शराब पी जाता है। घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह जैसे ही घर जाता है तो अपनी पत्नी से भी लड़ाई करता है। दोस्तों, पत्नी जो है वो सहन कर रही थी बहुत दिनों से, अब लेकिन जब घर के अंदर खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो पत्नी भी उससे वापस लड़ाई करने लगती है। दोस्तों, वह कई बार बीच बीच में अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर भी शराब पीने लगा है। उसकी शराब की लत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑटो चलाना बंद कर दिया और पत्नी के जो गहने जेवरात होते हैं उनको भी बेचकर उनकी भी शराब पीने लगा। ना ही अपनी पत्नी का ख्याल था, ना ही अपनी बच्ची का ख्याल था। पत्नी भी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि तू कमाता क्यों नहीं है, ऑटो क्यों नहीं चलाता है, दिन भर इस शराब में लगा रहता है, हम क्या खाएंगे, बच्ची का भविष्य क्या होगा, बच्ची को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे। लेकिन उसको बातें उल्टी लगती हैं और वो अपनी पत्नी की मार पिटाई करने लगता है जैसे ही उसकी पत्नी उससे ये बातें कहती है। दोस्तों, इसी तरह से उनका जो समय था वो गुजर रहा था। उसी तरह से एक दिन वो शराब पीकर बाहर से आता है अपने घर, आकर देखता है कि उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। तो उसने पूछा, खाना क्यों नहीं बनाया? तो पत्नी ने जवाब दिया, खाना कहाँ से बनाऊँ, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो, मैं खाना कहाँ से बनाऊँ। तो दोस्तों, बस यही छोटी सी बात थी, उसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। उसकी बेटी भी वहीं चौक में बैठी हुई थी और वो रॉड को उठाता है, लोहे की रॉड होती है, कोने में रखी होती है कमरे के में, उस लोहे की रॉड से अपनी पत्नी के ऊपर प्रहार करने लगता है और जब वह पूरी तरह से घायल हो जाती है तो अपनी शराब की बोतल को उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। बच्ची यह सारा तमाशा, सारा खेल देखती रहती है। इस घटना को बच्ची अपनी आंखों से साक्षात देखती रहती है। तो ऐसे राक्षस भी इस समाज में हो जाते हैं जो ऐसा काम कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लगता है, उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, उस दरिंदे को, उस हैवान को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय कि ऐसे दरिंदों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जो घटनाओं के ऊपर आधारित प्रोग्राम्स हैं ये अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको, बहुत सारी घटनाओं के ऊपर, सच्ची जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर आधारित बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है तिरछी बात। तिरछी बात पर आप जब जाएंगे YouTube में सर्च करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे ऐसी घटनाओं के बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं और हर रोज़ 2-4 वीडियो वहाँ पे डालता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सत्यता के ऊपर आधारित घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।